श्रीकाल चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत। गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निद आवे ताए सब थाए हुए सहाय। सिख धर्म के नौवें गुरु हिंदी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जिन्होंने मनुखता के कल्याण ते धर्म की राखी लिए अपना बलिदान दिता, जिन्हों मनुखता के वारस गुरु तेग बहादुर भी कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर जी ने श्री गुरु नानक देव जी दे संसारक अमन ते कल्याण दे आदर्श नूं अगे तोरिया ते उस समय धार्मिक सहनशीलता ते आपस विच रल मिल के रहन दे आदर्शां दी प्रेरणा दित्ती। गुरु तेग बहादुर जी दी शहीदी खालसा पंथ दी स्थापना दा भी आधार बनी, क्योंकि खालसा पंथ दी स्थापना नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिक्खी नूं विलखण रूप देण दा फैसला कीता सी। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी दी समुची बाणी मनुखी जीवन दे कल्याण ते खुशहाली नाल संबंधित है। गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल प्रकाश पुरब दुनिया भर में अथा श्रद्धा भावना नाल मनाया गया। गुरु तेग बहादुर साहब जी के पवित्र शस्त्रां नूं समर्पित पेश है चढ़दी कला टाइम टीवी की विशेष रिपोर्ट। आओ करते हाँ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के पवित्र शस्त्रां दे दर्शन। हिस्टरी नूं हमेशा इतिहास की लोड़ है, गवाही की लोड़ है, नहीं तो इतिहास मिथिहास हो जाता है। तो अज नौवें गुरु नानक जोत धन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के उस पावन शहीदी स्थान के उत्ते जिन्हों का 400 साल प्रकाश पुरब पूरा पंथ पूरा सिख जगत नहीं पूरी मानवता मना रहा है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत मानवता नूं धर्म की राखी लिए शहादत सी और वो शहादत ने ही सारी मनुखता नूं एक सेध दित्ती सी। इतिहासिक दर्शनों नूं असीं जरूर चाहवांगे साढ़े दर्शक कि वह शस्त्रां नूं वारी वारी तुसीं सानूं दर्श संगत नूं दर्शन कराओ ताकि उन्होंने इतिहास बारे भी दसो और असी जिहड़ा है उन्हां दे नाल अपना भी जीवन सफला कर सकीए। और जिहड़े करोड़ां दर्शक दुनिया भर के विचकार इस वेले इस सारे शस्त्रां दे और तुहाडे और तुहाडे परिवार के दर्शन कर रहे हैं वो भी अपनियां खुशियां माण सकन। सो पहले शस्त्र के नाल आपां आरंभ करते हाँ। साहिब सरबजीत सिंह जी खालसा जी। ज्ञानी जी, मैं इस समय सेंट्रल गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरद्वारा चाचा फग्गूमल साहिब जी जो एक बिहार का अकेला प्रबंधक कमेटी आ जो श्री अकाल तख्त की मर्यादा हेठ चलती आ। ये प्रबंधक कमेटी की परंपरावां अज तो करीबन 80 साल पहला जो गुरद्वारा मसंदा के कोल सी साढ़े बजुर्गों ने अपने मोर्चे मुर्चे ला करके ये गुरद्वारा साहब आज़ाद कराए सन। उस तो बाद इतने प्रबंधक कमेटी कायम हुई। ये निरोल प्रबंधक कमेटी आ जिहदी कोई इलैक्शन नहीं होंदी आ, वो जगतगुरु गुरु नानक पातशाह जी की आदर्श मर्यादा मान करके अज भी सिलैक्शन राही अपने मैंबर ते प्रधान ते सकत्तर चुने जाते हैं। सरदार सरबजीत सिंह जी, वैसे अगर गल करिए गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह गुरु तेग गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने 1699 की विसाखी में खालसा पंथ साजिया से उदों कोई वोटां नहीं पईआं सन। ये सिलैक्शन का धर्म से, पता नहीं आप इलैक्शन वाले पास किमें पहुँच गए, लेकिन चलो ये रस्ते ने। लेकिन बहुत अच्छी गल है कि आप जी जड़ा है सिलैक्शन के नाल उस प्रबंध को कर दौ, नहीं तो इस शस्त्रों बारे आपां नूं जानकारी शायद ना मिल पाती जे कितें वोटां पैंदियां हुंदियां। तो आओ आपे वधने इस वाले पासे। सो पहला तुसी शस्त्रे श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जाते समय बतौर निशानी अपने अनन्य सेवक अपने चाचा जी नूं बख्शीस कर गए सन। आ से खंडा साहब जी आओ सत्संग जी दर्शन करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मणे पागा वाला जी अज मेरे नाल चढ़दी कला टीवी तो जिहड़े मेरे नाल अज रूबरू हो रहे ने साडे गार्जियन भी ने, वह बड़ी माण वाली गल है। तख्त हरिमंदर जी पटना साहब तो निरोल जनरल सकत्तर ने जो बिना किसी भी कोई आरोप तो बगैर बड़े उचेचे तौर पर सेवा किए ने। आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस स्थान पर श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी पातशाह जी के 400 साल शताब्दी महासमागम के अवसर खास तौर पर कुलमोहन सिंह जी को लख लख बधाइयां दे रही ने। तो मेरी बेनती आ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਤਾਂ ਸਾਸਾਰਾਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਊਸ ਜੰਗ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਊਸ ਜੰਗ ਇਹ ਜੀ ਧਾਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਊਸ ਜੰਗ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
श्री साहब जी सरवण लोही शरीफ साहब जे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी अपने सेवक चाचा फग्गू मल साहब जी ने बख्शीश कर गए सन आसे तुसी श्री साहब दी दर्शन कर रहे हो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आ दो तीर साहब जी ने ये दो तीर साहब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की निशानी जिहड़ी संगत ने दर्शन करके निहाल हुंदी है जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सर सरबजीत सिंह खालसा जी सानू हुण इहड़े चित्र ने क्योंकि तुसीं इह समान तां नाल लिया नहीं सकदे सी अपने लेकिन इन्हां चित्रां दे राहीं सानू दर्शन कराओ संगत नूं कि भई इन्हां शस्त्र इह चित्र की कह रहे असनान चौकी इह असनान चौकी ज्ञानी जी इस असनान चौकी ते विशेष तौर ते फग्गू मल साहिब जी बनाए सन कि मेरे दाता जी ते दाता जी परिवार माता गुजर कौर माता बेबे नानकी जी जदों आण गिया तो जमीन मिट्टी का सी तो मैं किस तरह स्नान करन गया। ये 12 किले का तुसी वेख रहे हो ये बनाए ने स्नान चौकी जो आज भी गुरद्वारा साहिब च तुसी विराजमान असीं रखे रखिया जी बैर साहब के हेठा ही ये चौकी साहब दे संग दर्शन आप कराने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरबजीत सिंह जी खालसा जी जदों संगत पटना साहिब दर्शन कर जाती तख्त हरिमंदर जी पटना साहब उन्होंने अगर सासाराम पहुँचना हो तो उदे वास्ते की उन्होंने इंतजाम करने की लोड़ है? सासाराम आने वास्ते सासा पटना जंक्शन तो सासाराम वास्ते 3 ट्रेना सवेरे तो 1 ट्रेन राती आती है वह सीधे सासाराम आती है जी। उस तो अलावा सोमो गड्डियां चलदियां ने प्राइवेट बसा चलदियां ने प्राइवेट राज ट्रांसपोर्ट की बसा चलदियां ने प्राइवेट सारिया इंतजाम ने जो तुम सासाराम आ जाओ किसी भी रिक्शे वाले ने किसी भी टेंपू वाले ने बस वड्डे गुरुद्वारे साहब जाना जे इन्ना ही बोलना काफ़ी है वो चाचा फग्गू मल गुरुद्वारे साहब पुजा देंगे। सो हुण तुसीं सानू अगले जिहड़े है ने इहदा हिस्से इहदे बारे जानकारी दिओ जी कि यह जिहड़ी इह चित्र जिच बेरी है इहदे बारे सानू कोई जानकारी दिओ जी। औसा संघ जी दर्शन करिए ये बैरी साहब का अनमोल इतिहास जी। आ बैरी साहब एक माता कोलों मिली कुड़े दी विच निकले सन वो माता हुई माता जे जिहड़ी माता ने आके फग्गू मल साहब जी नाल जुड़ी सी और जुड़ करके वो प्रेम वो रिश्ता कायम होया कि जदों फग्गू मल साहब सासाराम जाणदे पश्चात आपने बड़े अदब ते सत्कार नाल जगत गुरु नानक पातशाह जी दी मिशन नूं किरत करो नाम जपो ते वंड छको इन्हां दे राही संगतां नूं जोड़े सन ते नाले दसवंधी प्रथावां चलियां सन डेली नितनेम ते लंगर दी प्रथावां सासाराम च इतिहास च पहली बार फग्गू मल साहब ने कायम की। माता जी नेम सी कि डेली आके भांडे धोने पे लंगर दे ते लंगर पकाउणी संगत नूं छक छका के अपने घर चल जाणी सी। जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के आगमन का सदा पत्र फग्गू मल साहब जी को मिलिया उस सदा पत्र वेख के फग्गू मल साहब जी ने उस बुलापे जवानी आ गई सी सारे संगत को दर्शन कराना जी तो नाले बेनती करनी सत्संग जिंदगी की अंतिम तुहाड़ी दसवंध आ जो सीधा रब के चरणा च जाना जे वो डेरी संगत नूं लेकर के दसवंधी उगराई करते सन वो सवेर का समासी उगराई करते करते माता के बूहे से पुज गए ने वही जो माता जी आकर डेली सेवा करती सी माता बूहे तो बड़ी खुश कि मेरे दर से वो संत जी आए ने जोड़े जाके मैं सेवा करनी आ माता बार बार पैरी हाथ लाई जा रही है फग्गू मल साहब ने आख्या माता अच कुछ नहीं करना तेरी सेवा बड़ी अनमोल आ ले ते अपने जीवन च मुक्ति पाना रब जी ने इतना आना जे ला तू भी मैंने कुछ आज दियो। माता हस पई बाबा जी मेरी जिंदगी चल पई है ये तुहाड़े चरणों नाल जुड़ के मेरा कोई परिवार नहीं कोई जना कोई भरा कोई भैन कोई धी कोई पुत्र नहीं बिल्कुल अनाथ वाली जीवन सी पता नहीं रब ने कि जो वो समा बख्शिश की थी कि तुहाड़े चरणों नाल मैं जुड़ गई हाँ जिहड़ी चीज़ की लोड़ पैंदी है कहने तो पहले तुम पूरी कर देंगे हो आप तो अपने घर आके बस सुनना ही रिश्ता जी बाकी सारा कुछ तुहाड़े दर ते आके पाउणी आ। सरबजीत सिंह खालसा जी आप इस बेरी बारे कुछ दसन लगे? मैं बेरी उसी इस्ताद के नाल ही आ रहा जी वो माता कहंदे रो पई चाचा फग्गू मल खड़े ने बूहे ते आले दुआले वाले माइया कट्ठे ताणा देन लगियां ने माता बड़ी सेवा करदी आ ला कुछ दिओ दिओ
मैं तो गुस्से च आ गई कि मेरी सारी हालात जाने के बाद भी बाबा जी हाले भी मेरी गल नहीं सुनने ने। वो झाड़ू कर दी पई सी, उन्होंने कूड़ा चुकया, कहा मां बाबा मेरे को ही आ। फगुम साहब नू कूड़े भी मन के ले आए ने। जो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी आए तो जाने का समा बनिया विदाई का, तो उस समय हजूर ने फरमाया कि जिहड़ी दसवंद आईए चाचा जी संगत के सामने पेश करियो, संगत के सामने पेश करियो। सारे दसवंद आके उन्हें ढेर कर दिता, लेकिन कूड़े की पुट नहीं ले आए सन कि मेरे जीवन की अंतिम दर्शन प्रसन्न जी मैं कूड़ा दाँगा। फिर दाता ने आवाज़ दी, चाचा जी वो माई वाली भेट। फिर रोंदे जा रहे ने जिते जसवंत रखे सन, वो पोटली ले आए ने। ओदे नाल कोई दिता, फिर पोटली ले आए ने। पोटली जो दाता ने आप खोलिया, कूड़े ने आप ने हिलोरिया, बैर का फल सी। माता उसी कट्ठे विच बैठी सी, माता वाले इशारा किया, माता आज तो बाद तू अपने आप नू अनाथ ना दसी, दुनिया कायम रहूँगा माता तू मेरे नाल रहेगी। दाता अपने कोठी से बाहर आके वो बैर नू रोब दिते सन। पौने 400 साल हो गए ने ज्ञानी जी, आज भी बैर रज के आंदा, हुण भी जाओ कोई ना कोई बैरी तुहानू सब सब सबूते तौर पर बिल्कुल हरा भरा मिलेगा। आप चाहवे कुछ साढ़े बेरी के आप जो फल ने दर्शन संगत को कराइए जी। आ फल आप सुखा के रखने हैं जी, संगत बारों में आँदी रही है, इस करके जो फल आता है तो आप हरे फल बनने हैं, बाद च ये फल आप प्रसाद तौर पर देने जी। हाथ ला सकते हैं जी? जी बिल्कुल तुहाडे वास्ते ही लाया जी। सो सात संगत जी, जिहड़े तुसीं इह बेरी दे दर्शन कर रहे हो, ये बेरां नूं सुकाया होया और सुकाउण तो बाद इन्हां नूं प्रसाद के रूप दे विच कार रख्या जांदा है, और फिर संगत नूं उस बेरी दे जिहड़े फल ने, मैं कई बार दरबार साहब की परिक्रमा च भी देखिया, कई मातावां जिहड़ियां ने झोली अड के उस बेरी दे बेरां दी उड़ीक कर रहियां हुंदियां ने कि कदों वो कुदरती फल साडी झोली च पएगा ते किरपा होएगी। तो इस तों इलावा इस दरवाजे बारे तुसीं कोई दसना चाहोगे? दरवाजे में दरवाजा उही 45x35 इंच दी, जिदे पर दरवाजे ते प्रवेश करके गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने फगुमत साहब जी नू चाचा जी कह के संबोधन किए सन। उस तो बाद पूरे जगत वास्ते फगुमत साहब जी चाचा फगुमत साहब तो नाते विख्यात हो गए ने। दो महापुरख होए ने पंथ च जिन्हां ने 6 गुरु महाराज की दर्शन प्रसन्न सेवा का मौका मिलिया। पहला बाबा बुढ़ा जी जिन्हां दे नाँ की बख्शीश सी जगत गुरु नानक पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा कह के किए सन। नवें जावें जी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने जिन्होंने आप फगुमत साहब जी ने चाचा जी कह के संबोधन किए सन, तो चाचा जी जी भी 6 गुरु पातशाह जी दर्शन प्रसन्न सेवा किए ने। ते दो महापुरख बाबा बुढ़ा जी ते बाबा संत चाचा फगुमत साहब जी। उस तो अलावा सब तो अनमोल जड़ी कृपावां हुई ने चाचा जी फगुमत साहब जी के अस्थान तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज 21 दिन रुके सन, 21 दिन रेंदे सत्संग करदे दाता जी ने राग जैजा मंती महल्ले नवें दी गुरबाणी की बख्शीश की सी। वो गुरबाणी आप डेली श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 1352 अंग च दर्शन करने हैं जी। बाणी का सिरलेख राग जैजा मंती महला नवा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपंग गुरप्रसाद, राम सिमर राम सिमर यह तेरे काज है, माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथिया झूठो सबे साज है, राम सिमर यह तेरे काज है। सरदार सरब सिंह जी खालसा जी, बहुत अच्छा लगा तुसी अज शस्त्रां दे दर्शन कराए ने, और अज दी ये जिहड़ी असी रिपोर्ट अपनी जिहड़ी लई है लगता है कि इतिहासिक रिपोर्ट होएगी सारी कौम वास्ते, दुनिया भर के विचकार जिहड़ी भी संगत इस नूं देख रही है उन्हां दा भी जीवन सफला हो रहा होएगा। और असी ये जानते हैं कि अज सरदार सरबजीत सिंह जी खालसा जिहड़े कि चाचा फगुमल जिहड़ा कि इतिहास के उस वर्कियां दे उत्ते इन्हां दे अनुसार जो परिवार का इतिहास है और जिहड़ी कि अपना सूरज प्रकाश की असी आम तौर से सारे गुरुद्वारा साहिब च कथा हुंदी है महाकवि भाई संतोख सिंह जी की, उन्हां दे द्वारा इस परिवार नूं प्रमाणता मिली हुई है और ये जिहड़े इतिहासिक
एक किताबां छपिया तख्त पटना साहिब वालों उहदे विचकार भी इन्हां दी सारा है दर्शन किए जा सकते हैं। यह इतिहास की प्रमाणता है जिदे असीं दर्शन कर रहे हैं। और नाल नाल मैं जरूर कहना चाहवांगा कि इतिहास के अंदर इन्हां चीज़ां नूं याद रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली पनीरी ने इको गल कहनी है कि हिस्ट्री आलवेज रिक्वायर एन एविडेंस। हिस्ट्री नूं हमेशा इतिहास की लोड़ है, गवाही की लोड़ है, नहीं तो इतिहास मिथिहास हो जाता है। तो अज नौवें गुरु नानक जोत धन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के उस पावन शहीदी स्थान के उत्ते जिन्हों का 400 साल प्रकाश पुरब पूरा पंथ पूरा सिख जगत नहीं पूरी मानवता मना रहा है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत मानवता नूं धर्म की राखी लई शहादत सी, और वह शहादत ने ही सारी मनुखता नूं इक सेध दित्ती सी। अज यूनाइटेड नेशन का अगर चार्टर की गल करिए तो वह भी यही गल करता है, ना किसी नूं डर दिओ ना कदी डर च रहो। यही गुरु तेग बहादुर साहब का संदेश है, सानू भी इस संदेश नाल जुड़न दी रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद चढ़दी कला टाइम टीवी के समूह दर्शकों नूं असीं वधाई भेट करते हैं, और नाल नाल इस रिपोर्ट ते अपनियां इच्छावां अपनियां भावनावां जरूर प्रगट करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।